गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जो वादा किया गया था कि भाई दिवालियों के जो टाइम है उसके अंदर इकोलॉजी कंप्लीट करा दी जाएगी, उसी सीरीज में जो आगे हमारा चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो सबसे पहले सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि क्या चीज़ें बचानी ज़रूरी है। भाई बहुत ज़माने पहले की बात है, जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उस ज़माने में कोई कंजर्वेशन का कंसेप्ट था क्या? क्या ऐसा था कि लोग जो हैं शेरों को बचा रहे थे या लोग जो हैं ये भालुओं को बचा रहे थे? उस समय तो शिकार हुआ करता था भाई, राजा का तो खेल हुआ करता था कि उसको शिकार करना है। तो कहाँ ज़रूरत पड़ी इस कंजर्वेशन की? स्टार्टिंग में जब ये खेल थे, शिकार जो एक खेल था, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बाद में ऑर्गेनिज्म भी बहुत थे इसलिए कभी कोई समस्या नहीं आई। लेकिन जैसे जैसे ये शिकार जो करने की प्रवृत्ति है ये बढ़ती गई, इस खेल को जैसे जैसे बढ़ावा मिलता गया, तो वैसे वैसे जो अदर ऑर्गेनिज्म है उनकी पॉपुलेशन कम होती गई, और पॉपुलेशन कम होने के कारण हमको लगा कि उसको बचाना चाहिए, इसीलिए कंजर्वेशन का कंसेप्ट आया दुनिया के सामने। सवाल एक और उठता है हमारे अंदर कि क्या आप लोग, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कभी देखे नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने कभी पॉर्क्यूपाइन नहीं देखा, वो जिसके कांटे होते हैं ना, ऐसा कभी ऑर्गेनिज्म मैंने नहीं देखा। अब यदि मैंने नहीं देखा है और वो यदि एक्सटेंट हो जाता है तो मेरे ऊपर कुछ क्या मेरी तबीयत खराब हो जाएगी या ऐसा होगा कि मेरा जी घबराने लग जाएगा, अरे यार वो हो गया, ऐसा हो गया? ऐसा कुछ नहीं होगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्या सभी हैं मैक्सिमम, जिन्होंने कभी डायनासोर्स नहीं देखे। तो डायनासोर नहीं देखा तो क्या मेरे अंदर, मेरे पूरी लाइफस्टाइल में या मेरी लाइफ साइकिल में कोई फर्क पड़ा क्या? तो सवाल यही उठता है कि कंजर्व करना है हमें, लेकिन किसका करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अब कंजर्वेशन जो है वो एक बहुत मतलब ब्रॉड कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, कंजर्वेशन मैं प्लांट का भी कर सकता हूँ, मैं एटमोसफेयर को भी कंजर्व कर सकता हूँ, मैं कोई स्पेसिफिक जो फ्लोरा है उसको भी कर सकता हूँ, फौना को भी कर सकता हूँ। उसका कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस होगा, और हम लोग ये मानते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आया है उसका कोई ना कोई इकोलॉजिकल रोल ज़रूर है। तो उस इकोलॉजिकल रोल को बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है? तो व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी चैप्टर नंबर वन लिविंग वर्ल्ड के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स का होना, है ना। अब डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म जो है उसका तीन रीजन मैं आपको बताऊंगा कि तीन कारणों से इस दुनिया के अंदर इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंट होना इस दुनिया में, लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी होना। और उसके रीजंस जो है ना बच्चों, वो तीन रीजंस के बारे में मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहला जो रीजन है हमारा वो है एडेप्टेबिलिटी। ठीक है? एक थ्योरी चलती है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि ये पूरी दुनिया ना समुद्र के अंदर, देखो बहुत हजारों साल पहले की बात है, अर्थ एक सूरज का एक टुकड़ा था और वो उससे अलग हुआ। अलग होने के बाद धीरे धीरे करके कई हजारों सालों तक वो ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद में जब वो ठंडा हो रहा था उस दौरान हजारों सालों तक बादल बनते गए। फिर हजारों सालों तक क्या हुआ, बारिश होती रही। और वो जो बारिश का पानी था जब धीरे धीरे से रुकना स्टार्ट हो गया, जमना स्टार्ट हो गया, तो अर्थ के ऊपर जितने भी खड्डे थे उन सब के अंदर पानी भर गया और वो बन गए समुद्र। इन समुद्रों में ही पहली बार लाइफ ऑरिजिनेट हुई थी। ठीक है? अब समुद्रों में पहली बार लाइफ ऑरिजिनेट हुई, लेकिन भाई आज यदि हम देखते हैं तो लाइफ तो टेरेस्ट्रियल भी है, एरियल भी है, बहुत डिफरेंट टाइप की है लाइफ, है ना। तो इसी के बारे में मैं आप बात कर रहा हूँ कि वो जो कुछ ऑर्गेनिज्म थे, आपने कुछ फिल्म्स देखी होगी उसके अंदर एक लड़की होती है जिसका लोअर पोर्शन जो होता है ना वो फिश जैसा है, अपर जो पोर्शन है इंसानों के जैसा है, देखा है ना। ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है? वो बात अलग है, देखो साइंस क्या खोज पाई है क्या नहीं खोज पाई है इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ऐसा एक ऑर्गेनिज्म हो जो कि एक्वेटिक कैरेक्टर को भी शो करता हो, साथ में टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के कैरेक्टर्स को भी शो करता हो। तो जनरली ये हुआ क्यों, कैसे हुआ? ये हुआ ड्यू टू एडेप्टेबिलिटी। डिफरेंट चीज़ों को लेके ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया, अडेप्ट किया। और अडेप्टेशन ये जो फीचर है इसने एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या कर दिया बच्चों, अलग कर दिया। पहली बात आ गई समझ में। दूसरा है
आप लोगों को पता है कि भाई म्यूटेशन एक बहुत बड़ा रीजन है, सडन और हेरिटेबल चेंजेस जो होते हैं वो भी एक रीजन है बायोडाइवर्सिटी का. एंड थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आइसोलेशन. ठीक है, ये आइसोलेशन का मतलब क्या था, देखिए हम लोग भी इंसान हैं, नाइजीरिया वाले भी इंसान हैं, लेकिन देखो कितना जमीन आसमान का फर्क है उनमें और हम लोगों में. अब यदि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी एक यहाँ का इंडिया का रहने वाला बंदा है ना, मान लीजिए एक बंदा है नवनीत, है ना, उसकी हम शादी करवा रहे हैं नाइजीरिया में, इज इट पॉसिबल? भाई नेचुरली यदि आप बात करोगे, नहीं यार नवनीत की शादी क्यों कराएंगे हम नाइजीरिया में, हमारे तो यहाँ रिवाज ऐसा है कि इंडिया है तो इंडियन ही चाहिए, है ना ऐसा? बट पॉसिबल तो है ना, ऐसा तो हो सकता है ना, ये तो है नहीं कि हो ही नहीं सकता. तो हम लोग भी स्पीशीज है, नाइजीरिया वाले भी सेम स्पीशीज है, लेकिन देखो हम लोग आपस में क्या नहीं कर रहे, रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, क्योंकि हमने हमारे बीच में डिस्टेंस बहुत है. ठीक है, तो ये आइसोलेट हो गए बहुत सारे. अब नाइजीरिया वाला जो इंसान है वो उसका देखो मॉर्फोलॉजी फीचर्स कितने डिफरेंट है, बिल्कुल काला कलर, अजीब से बाल, तो ना डिफरेंट है बाल. ठीक है, हाइट देखो उनकी कितनी अच्छी होती है, फिजिक देखो उनकी कितनी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू इंडियंस. और इंडिया का आप कंपैरिजन करोगे यदि चाइनीज से, तो हो सकता है कुछ सिमिलरिटी मिल जाए. बहुत सारे मोमो वाले जो हैं वो आपको चाइनीज, और अपने नॉर्थ वेस्ट के जो लोग हैं वो भी आपको कैसे लगेंगे, वो लगेंगे यार चाइना से. लेकिन क्या है, वो अडेप्टिव फीचर है भाई. ठीक है, मैं खुद देखो चाइनीज जैसा लग रहा हूँ तो भाई ये क्या है, अडेप्टिव फीचर है. क्यों? क्योंकि मैं पहाड़ी हूँ, तो पहाड़ों के ऊपर क्या है, ये अडेप्टिव फीचर आ गया है कि वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए जो लिम्ब है और जो आईज हैं, जो ईयर हैं, इनके साइज क्या हो गए, छोटे हो गए, ताकि हीट लॉस ना हो. सिंपल सी बात. ठीक है, तो ये आइसोलेशन भी होना किसका रीज़न था, बायोडाइवर्सिटी का रीज़न था. अब हमने ये देखा है, कुछ स्टैटिस्टिक्स है इस वाले चैप्टर में जो कि हमें बहुत अच्छी तरह करने हैं. सबसे पहला जो स्टैटिस्टिक्स है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, कि देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डिफरेंट टाइप के 20,000 स्पीशीज हैं चींटियों की, 3 लाख जो स्पीशीज हैं बीटल्स की हैं, 28,000 फिशेज की हैं, और 20,000 ऑर्किड है डिफरेंट टाइप के. अभी हम आगे और देखेंगे कितना और कौन कौन से डिफरेंट टाइप के हैं ना हमें चीज़ें देखने को मिली है नेचर में. क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, आगे हम लोग बोल रहे हैं कि भाई डाइवर्सिटी हर एक चीज़ में है. किसमें भाई? मैक्रो मॉलिक्यूल्स में डाइवर्सिटी है, कुछ प्रोटीन है, कुछ फैट है, कुछ विटामिन है, फॉस्फोलिपिड्स है, डिफरेंट है यार, अलग अलग डिफरेंट टाइप की जीन्स है भाई. जीन्स के अंदर भी क्या है, जीन्स के अंदर भी हमने देखा है कि बहुत सारी डाइवर्सिटी है, स्पीशीज़ डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ हैं इस दुनिया के अंदर. ठीक है, कुछ मेरी तरह बहुत अच्छी स्पीशीज़ हैं, है ना, कुछ हैं जो डिफरेंट है बिल्कुल स्पीशीज़, कुछ हैं आंट्स हैं, कुछ हैं एलिफेंट्स हैं, कुछ हैं जो लिजर्ड है, ये सब है. डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम भी है और डिफरेंट टाइप के बायोम्स भी प्रेजेंट है. तो ये हम ये बोल सकते हैं कि यार डिफरेंट टाइप की बायोडाइवर्सिटी है इस दुनिया के अंदर, और ये जो डाइवर्सिटी है ना ये एक लेवल में नहीं सिमटी हुई है, ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लेवल्स में क्या है ये शो होती है. ठीक है, नेक्स्ट यदि हम आगे बात करें कि टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तो देखो एक तो है जेनेटिक, एक है स्पीशीज और एक है इकोलॉजिकल. डिफरेंट टाइप के बायोडाइवर्सिटीज देखने को मिली है नेचर में. तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ जेनेटिकल डाइवर्सिटी, इसका मतलब होता है जीन्स में चेंजेस. ठीक है, अब देखो आपने आम खाया है, लेकिन आम की वैरायटी आप लोगों को पता होगा, डिफरेंट टाइप की वैरायटी जो है नेचर में मिलती है आम की, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. कुछ ऐसे आम की वैरायटी है बच्चों जो कि इतना, जिसको क्या, इतना रसीला आम होता है कि आप यदि उसको एक खाएंगे तो आपका बिल्कुल आहा तृप्त हो जाएंगे कि वाह यार क्या शुगर है उसके अंदर. ठीक है, कुछ ऐसे आम आते हैं जिनको आप खाना ही पसंद नहीं करेंगे. कुछ एक स्पेसिफिक आम आता है जिसको कहते हैं केसरी. ये जो केसरी आम होता है ना, इसकी खासियत ये है, यदि एक कमरे के अंदर इसकी एक पेटी रख दी जाए तो पूरे कमरे में एक बहुत सुगंधित स्मेल आ जाएगी. तो डिफरेंट टाइप के हैं इस दुनिया के अंदर. तो और दूसरी चीज़, आपने सुना होगा संजीवनी बूटी, है ना, संजीवनी बूटी जो हनुमान जी लक्ष्मण के लिए लेके आए थे, है ना, तो उसी संजीवनी बूटी में क्या है, उसकी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है. तो ऐसे डिफरेंट टाइप के हैं ना चीज़ें, तो वो क्यों हैं, क्योंकि उनके जीन्स में चेंजेस हैं. जीन्स के अंदर क्या है,
चेंजेस है, नारियल का पेड़, सभी नारियल में से, जान से सुनना, सभी नारियल में से, ये जरूरी नहीं है कि अच्छी क्वालिटी का जो आप बोलते हो ना मक्खन उसको कहते हैं वो निकले, इट इज नॉट नेसेसरी। आप हर मतीरा बहुत मीठा नहीं होता है, हर आम खाने में बहुत लजीज नहीं होता है, हर अमरूद टेस्टी नहीं होता है भाई। तो ये क्यों है? क्योंकि उन्हीं स्पीशीज के अंदर भी कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनके अंदर जीन्स बहुत मस्त है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जिनके अंदर क्या है बच्चों, जीन्स बहुत मस्त है, उसके बारे में बात कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनो। तो देखो, स्पीशीज में जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलती है। ऐसा हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट को एक स्पीशीज कम बना रही है और किसी उसी प्रोडक्ट को दूसरी स्पीशीज बहुत लाजवाब बना रही है, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल है राउलफ्रिया वोमिटोरिया, इसकी डिफरेंट वैरायटी पाई जाती है हिमालय रीजन में। और ध्यान रखना, इसके अंदर कितना अमाउंट में पोटेंसी और कंसंट्रेशन कितनी है उस एक्टिव केमिकल की जिसका नाम है रीसरपाइन, है ना। रीसरपाइन जो है वो कितनी क्वांटिटी में मिल रहा है, कितनी कंसंट्रेशन में मिल रहा है और कितना इफेक्टिव है। ये राउलफिया वोमिटोरिया की डिफरेंट टाइप की स्ट्रेन्स, अलग अलग स्ट्रेन्स में अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग क्वालिटी का मतलब है डिफरेंट जो है उसके अंदर जीन्स हैं, डिफरेंट जीन्स का मतलब है उसके अंदर डिफरेंट अमाउंट में वो केमिकल बन रहा है। 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स है राइस की, 50,000 वैरायटी मिलती है। और इंडिया के अंदर बात करूँ, 1,000 वैरायटी है इंडिया के अंदर मैंगो की। तो देखो कितना सारा डाइवर्सिटी है। तो ये जो 1,000 है मैंगो, ये है तो आम ही, डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है प्रोडक्ट में। डिफरेंस किस में है बच्चों? प्रोडक्ट में डिफरेंट है, ये जो चीज़ बना रहा है उसमें डिफरेंस है। तो पहली हमने देखा, पहली जो हमारी डाइवर्सिटी थी वो थी जेनेटिकल डाइवर्सिटी, जीन्स में होने वाली चेंजेस के बेसिस पे जो प्रोडक्ट बनना है वो कितना डिफरेंट बन रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करें स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में उसके जो स्पीशीज है वो कितने डिफरेंट है, ठीक है ना। तो वैरायटी ऑफ स्पीशीज विद इन रीजन, किसी एक रीजन में, जैसे वेस्टर्न घाट में ज़्यादा डाइवर्सिटी है देन ईस्टर्न घाट, ठीक है। क्यों भाई? फ्लरिस्ट है वहाँ का, वेस्टर्न घाट का जो एटमोसफियर है वो एटमोसफियर एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा शो करता है, वो एटमोसफियर इज मोर कम्फर्टेबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज। बहुत सारी स्पीशीज के लिए वो बहुत कम्फर्ट जोन है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा मिलती है। तो ये जो है स्पीशीज डाइवर्सिटी किस चीज़ का है? एक दो टर्म आएगी स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस, मैं दोनों समझा रहा हूँ। स्पीशीज रिचनेस का मतलब क्या है बच्चों? कि एक एरिया था उसके अंदर ए बी सी डी ई एफ ये इतनी स्पीशीज मिल रही थी, है ना। या आप ऐसे समझें इसको कि एक एरिया है जिसके अंदर 5 स्पीशीज है और एक एरिया है जिसके अंदर 10 स्पीशीज है, तो आप कौन से बताएंगे स्पीशीज रिच एरिया कौन सा है, ए वाला है या बी वाला है? ऑब्वियसली बी वाला होगा, है ना, क्यों ज्यादा रिच है, 10 स्पीशीज मिल रही है वहां पे, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज मिल रही है। तो स्पीशीज रिच रीजन इज बी। बट ये जो 5 स्पीशीज मिल रही है ना, इन पांचों में क्या है कि हर हर के अंदर 10-10 ऑर्गेनिज्म है, फिक्स है ना। इसके अंदर भी जो 10 स्पीशीज मिल रही है ना, उसमें हर किसी में 3-3 ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब है इवननेस है। एक स्पीशीज किसी एरिया की स्पीशीज है ए बी सी और तीनों में इक्वल नंबर में मेंबर है, इसको हम कहते हैं स्पीशीज इवननेस। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? बहुत इजी सा टॉपिक है, शब्द के अंदर ही बहुत कुछ जो है छुपा हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यदि किसी कम्युनिटी, जब आपको पता है कि डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम है नेचर में, अब डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम है तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ नीचेज डिफरेंट है, ट्रॉपिक लेवल डिफरेंट है, बहुत सारी फूड वेब है, न्यूट्रिएंट साइकिल्स भी तो बहुत सारी है ना। तो इसके बेसिस पे हमने क्या किया, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को डिफाइन किया है। एक तो होती है अल्फा डाइवर्सिटी, इसका मतलब कम्युनिटी के अंदर पाई जाने वाली डाइवर्सिटी। एक है बीटा डाइवर्सिटी, इसका मतलब दो कम्युनिटीज़ के बीच में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी। और एक है गामा डाइवर्सिटी, इसको यूं लिखते हैं गामा, ये जो डाइवर्सिटी है किसी एक रीजन, कंप्लीट बहुत बड़ा रीजन, उसके अंदर पाई जाने वाली डाइवर्सिटी को हम कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इजी हो गए तो, है ना। अब 2004 के अंदर ये देखा गया कि 1.5 मिलियन स्पीशीज जो हैं हम अभी तक डिस्क्राइब कर चुके हैं,
1.5 मिलियन जो स्पीशीज है वो अभी तक हम पढ़ चुके हैं. हमें पता है कि किस तरह से जो 1.5 मिलियन स्पीशीज है ना वो मतलब किस कहाँ पे रहती है, उसका कंप्लीट जो है वो कंप्लीट जो है उसका ब्योरा हमारे पास है. ठीक है, दूसरा है कि एक रफ एस्टिमेशन है कि 20 से 50 मिलियन स्पीशीज है और रॉबर्ट मे ने ये इसको डिस्कवर किया कि इसका एस्टिमेशन अबाउट एंड अबाउट 7 मिलियन. तो इस तरह का एस्टिमेशन जो है ये नेचर में देखा गया है. इतनी टाइप के अलग अलग लोगों का एस्टिमेशन है, कोई कहता है 13 से 14 मिलियन है, कोई कहता है ये मिलियन है वो मिलियन है, बट ये जो रॉबर्ट मे ने जो एस्टिमेशन दिया था ना काफ़ी साइंटिफिक एस्टिमेशन था. चलिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है, इसके ऊपर बिल्कुल अपनी जान लगा देंगे, इसको याद करने में कोई शॉर्टकट नहीं है यार मेरे पास. देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, ठीक है ना, मेरे पास भी इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज इज मोर देन 70%, ध्यान रखना. टोटल जो स्पीशीज है टोटल उनमें से 70% से ज़्यादा एनिमल की स्पीशीज है और प्लांट अप्रॉक्सीमेट 22% के आसपास है. ये पहला स्टैटिस्टिक्स है, इसको अपनी नसों में डाल लो. ठीक है, और एक जादू मैं तुम्हें ज़रूर बताना चाहूँगा. आप जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे इस तरह का एक थंब होगा, जैसे आप उसको क्लिक करोगे भाई उसका कलर चेंज हो जाएगा. किसी को यकीन ना हो तो करके देख सकता है. दूसरी चीज़ है सब्सक्राइब का लाल कलर का एक जो है सब्सक्रिप्शन का साइड में आ रहा होगा, उसमें भी जादू है. यदि आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे वो कलरलेस हो जाएगा. किसी को यकीन नहीं होगा तो प्लीज़ आप एक बार करके देख सकते हैं. तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे एनिमल के बारे में. एनिमल टोटल स्पीशीज का 70% एनिमल है. पहली चीज़, टोटल एनिमल का 70% इंसेक्ट्स है. टोटल एनिमल का 70% इंसेक्ट है, देखेंगे हम बाद में आगे क्यों कैसे क्या. चलिए नेक्स्ट, फंजाई की स्पीशीज जो है वो है 72,000. ध्यान से सुन लो ना, टोटल फंजाई अभी तक जो डिस्कवर्ड है 72,000. फिशेज 28,000. एम्फीबियन 4780. रेप्टाइल्स 7150 स्पीशीज. मैमल्स 4650. 12 मेगा डाइवर्सिटी में से इंडिया का 8वां स्थान है. स्टैटिस्टिक्स है टोटल इंडिया के अंदर 8.1% ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी है और 45,000 प्लांट की स्पीशीज है. ध्यान रखना, ये स्टैटिस्टिक्स आपको याद रखना है, इसमें कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज इज मोर देन 70%, प्लांट इज 22%, एनिमल का 70% इंसेक्ट है, 72,000 फंजाई की स्पीशीज है, 300,000 हमने बीटल वहाँ पढ़ लिए थे. ठीक है, फिशेज 28,000, एम्फीबिया 4780, रेप्टाइल 7150, मैमल 4650, 12 मेगा डाइवर्सिटी है जिसमें से 8वां स्थान इंडिया का है और इंडिया के अंदर टोटल डाइवर्सिटी का 8.1% है. साथ में 45,000 जो है वो प्लांट की स्पीशीज है, ये हम देख चुके हैं. चलिए, अब क्यों है ऐसा, एनिमल ज़्यादा नंबर में क्यों है? भागता हुआ घोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा भाई. तो सबसे पहली चीज़, दे आर मोटाइल. यहाँ पे यदि कोई दिक्कत आ गई तो इंसान आराम से, कोई भी एनिमल है वो इधर से उधर भाग सकता है. पहली चीज़, नर्वस सिस्टम है. नर्वस सिस्टम एडेप्टेबिलिटी में हेल्प करता है. ठीक है, एडेप्टेबिलिटी में हेल्प करता है, वो एडेप्टेशन जो फीचर है उसको बढ़ाता है. क्योंकि भाई एनिमल जो है ना वो आउटर जो एनवायरमेंट के अंदर होने वाले चेंजेस है ना उनको ईजिली डिटेक्ट कर लेता है. ठीक है, और दे आर सब्जेक्टेड टू लेस सीजनल एंड मोर कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट. भाई आप लोगों को पता है हम लोग घर क्यों बनाते हैं? हम घर इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है ना तो भी हम घर के अंदर सेफली रहते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के. तो पहली चीज़ तो ये. दूसरी चीज़ यार, घर बनाने के पीछे हमारा रीज़न ये भी तो होता है कि एक सेफ जगह है हमारे लिए. बाहर एटमोसफियर, बाहर बाढ़ आ गई, घर के अंदर आप सेफ हो. बाहर बारिश आ रही है, घर के अंदर आप सेफ हो. तो इंसान जो भी एनिमल है ना वो यदि क्रिटिकल कंडीशन आती है तो वहाँ से मूव ऑन हो जाता है. ठीक है, मान लो इस स्टूडियो में पूरा पानी भर जाएगा तो मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी, भागने वालों में सबसे पहला नाम मेरा होगा. ठीक है, तो इसी तरह ये जो सीजन में होने वाले चेंजेस हैं एनिमल इसको रेसिस्ट करता है इन चीज़ों को. क्या यहाँ तक समझ में आ गया है भाई बात? एनिमल इन चीज़ों को क्या करेगा बच्चों? रेसिस्ट करेगा और कोशिश करेगा कि वो एक ऐसे एनवायरमेंट में रहे जिन एनवायरमेंट में क्या हो, ज़्यादा वेरिएशन ना हो. नेक्स्ट, हम लोग बात कर रहे हैं इनॉर्मस डाइवर्सिटी इंसेक्ट्स के होने के पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो है काइटिनियस शेल. ये जो काइटिनियस शेल है ये वाटर लॉस को बचाती है, साथ में इसको प्रोटेक्शन भी दे रही है. डिफरेंट ये सबसे बीटल आपने देखा होगा भाई, ये वाला है ना, इसको मारने में मैं बचपन में बहुत मारता था इसको, और जैसे इसको मारोगे क्रैक
आवाज़ आएगी ऐसी, इस तरह की आवाज़ आती है इसमें, ठीक है। ये देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने एक्सपेरिमेंट कर रखा होगा, ठीक है ना। आगे ये भाई, ये जो भी आउटर स्केल्टन है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने शंख देखा होगा, शंख एक्चुअली शंख नहीं, वो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, उसने अपना प्रोटेक्शन के लिए ये जो है आउटर मोस्ट जो कोट है वो बना रखा है, इसमें नहीं है, ठीक है। मोलस्क ये जिसके अंदर मोती बनता है ये भी है। आपने देखा होगा टॉर्टोइज, ये जो टॉर्टोइज होता है ना, इस टॉर्टोइज की खासियत ये है कि टॉर्टोइज के ऊपर आप ईंट फेंक दो, मरेगा नहीं, वो अंदर चला जाता है उस कवरिंग के। तो ये जो होता है ना, ये ऐसे एनिमल्स के साथ साथ इंसेक्ट्स के अंदर भी इस तरह की खासियत है, ठीक है। ये तीन डायग्राम, ये आपकी ज़िंदगी के वो डायग्राम है जिनसे अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायग्राम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, जो जहाँ दे रखा है सिर्फ वो पार्ट ये छुपा देंगे। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, पहले मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ किस किस तरह की है और कौन कौन सी बातें हैं इसके अंदर, ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखिए, ये अदर एनिमल ग्रुप का ये सेक्शन दे रखा है पाई चार्ट में, ये क्रस्टेशियन का दे रखा है, ये मोलस्क का दे रखा है, और ये 70% जो है इंसेक्ट्स हैं एनिमल इनवर्टिब्रेट्स में। तो आपको क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन जो है ना ये मिटा हुआ मिलेगा ऐसे, और ये पूछेंगे ये पोर्शन किसका है, ये वाला पोर्शन मिटा हुआ मिलेगा, ये पोर्शन किसका है। या ऐसे पूछ सकते हैं कि टोटल जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा पोर्शन कौन से टाइप के एनिमल है, इस तरह का, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, वर्टिब्रेट जैसे ये दे रखा है, इसके अंदर देखो मेजर पोर्शन फिशेज है, उसके बाद यहाँ पे मैमल्स है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, एज इट इज़ आपको याद करना है। प्लांट के अंदर देखो मेजर पोर्शन है, दो दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो एंजियोस्पर्म है और दूसरा है फंजाई, और यहाँ ध्यान रखना ये मॉसेज है, ये फर्न और एलील्स का है, ये एल्गे का है, और ये है लाइकेंस का। तो ये वाले आपके एनसीईआरटी के डायग्राम से, इसको आप आराम से कर लें, इसको याद कर लें, इसको एक बार बना के देख लें, सीक्वेंस को याद रखें। चलिए अब बात ऐसी है, इसमें कहीं पे भी आपको प्रोकैरियोट का नाम नहीं दिखाई दिया होगा। एनसीईआरटी के लाइंस के बारे में बात करूँगा, एनसीईआरटी ये कहती है कि प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है ना बच्चों, इसको कभी भी इस तरह की जो गणना है ना, स्टैटिस्टिक्स है ही नहीं इसमें, हमें पता ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर उगा ही नहीं पाए। मैं उसकी स्टडी करूंगा तभी तो मुझे स्पीशिएशन का पता लगेगा कौन सी स्पीशीज है, लेकिन जब मुझे पता ही नहीं है तो इसका मतलब मैं उसको क्या नहीं कर सकता, कल्चर ही नहीं कर सकता, उसकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज को मैं देख ही नहीं सकता हूँ। तो ये ध्यान रखना, इसी यही रीज़न है, इसी रीज़न के कारण क्या है कि कभी भी प्रोकैरियोट को इंक्लूड नहीं किया गया इस तरह के किसी भी नंबर्स में, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी की एक लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है कि ये जो पूरी नेचर है ना, ये नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नेचर की लाइब्रेरी में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीशीज हैं, और जब तक आप ऐसी किसी लाइब्रेरी की सिर्फ एक बुक का टाइटल पढ़ते हैं, जब आप ऐसी किसी लाइब्रेरी की बुक का सिर्फ एक टाइटल पढ़ते हैं, तो ये ध्यान रखना आप जब तक एक टाइटल पढ़ रहे हैं, नेचर अपनी एक पूरी किताब जला चुकी होती है। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे एनिमल है, हम तो एक्सटिंक्ट उनको बता रहे हैं ना जिनके बारे में हमें पता था, है ना, लेकिन कहानी ये है कि हमें तो पता ही नहीं है कि अपने आप एक्सटिंक्ट कितने सारे होते जा रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो कितने सारे एक्सटिंक्ट हो गए इनका हमें पता ही नहीं है अभी तक, तो हम तो नेचर का जब तक एक पेज पढ़ते हैं नेचर अपनी कई किताबें जला देती है। चलो तो अब हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में, डिफरेंट टाइप का पैटर्न है बच्चों इसमें। सबसे पहले मैं बात बताऊंगा लेटिट्यूड ग्रेडियंट्स के बारे में। तो देखो ये देखिए, ये हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब में दिस इज इक्वेटर, हला यदि आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो ध्यान रखना डाइवर्सिटी जो है वो कम होगी। डाइवर्सिटी क्या है, कम होगी। तो पोल पे डाइवर्सिटी कम है, इक्वेटर पे डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। इधर देखो, एज वी मूव फ्रॉम लो टू हाई लैटिट्यूड, फ्रॉम पोल टू इक्वेटर डाइवर्सिटी इंक्रीजेज, फ्रॉम इक्वेटर टू पोल डाइवर्सिटी डिक्रीजेज। ध्यान रखना टेम्परेट एरिया में मॉडरेट है डाइवर्सिटी, लेकिन ट्रॉपिकल में बहुत ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है बच्चों, ऐसा क्यों है,
ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात बता रहा हूँ आपको कि भाई क्यों है ऐसा, ट्रॉपिक्स में ज़्यादा डाइवर्सिटी होने का रीज़न क्या है। सबसे पहले यार वहाँ पे ना एक तो ऑप्टिमम सनलाइट मिल रही है, बिल्कुल मस्त वाली सनलाइट, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है वहाँ पे। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण ऑब्वियसली ये स्पीशीज़ ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहला फेवरेबल कंडीशंस है ना, वार्म टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी है, और लेस सीजनल वेरिएशन है, सारे सीजन्स में होने वाले चेंजेस है ही नहीं उसमें। दूसरा, मोर सोलर एनर्जी है वहां पे, इसीलिए वहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तीसरा, जैसे जब से ये पृथ्वी बनी है ना, तब से टेम्परेट रीजन में कई बार पूरा हिमयुग आ गया, पूरी बर्फ जम गई, बहुत बार ऐसा हुआ है। तो जब ऐसे ग्लेशिएशन होता है तो जितनी भी वहां पे डाइवर्सिटी थी, जितनी भी स्पीशीज थी, वो सब खत्म। अब सारी स्पीशीज खत्म हो गई तो अब क्या होगा, अब वापस से फिर फ्लरिश्ड होगा, बर्फ पिघलेगी, नए प्लांट्स आएंगे, फिर वापस नए एनिमल आएंगे। तो यार ये बहुत हर बार ऐसा हुआ, लेकिन ट्रॉपिक्स में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जब से इवोल्यूशन हुआ, ट्रॉपिक हमेशा स्टेबल बना रहा। यहाँ पे जो एक बार स्पीशीज आ गई वो वेल फ्लरिश्ड हुई, इसीलिए ट्रॉपिक्स में डाइवर्सिटी बच्चों ज़्यादा है। चलिए अब हम बात करते हैं, हमने ये जो लैटिट्यूड ग्रेडियंट पढ़ा है, इसके अंदर हमने ये पढ़ा है कि जो इक्वेटर है ना, इस इक्वेटर में क्या होगा बच्चों, इक्वेटर में, इक्वेटर के आसपास वाला जो रीजन होगा, यहाँ पे रिचनेस ज़्यादा होगी। कोलंबिया इक्वेटर के पास में 1400 स्पीशीज हैं बर्ड्स की, इंडिया के अंदर कितनी है, 1200। इंडिया का जो काफ़ी पार्ट है वो ट्रॉपिक्स में आता है इसीलिए। दूसरा, इक्वेडोर जो है ये ट्रॉपिकल एक फॉरेस्ट है, इसमें 10 गुना ज़्यादा वेस्कुलर प्लांट्स हैं जब हम इसको कंपेयर करें मिड वेस्ट यूएसए में, यूएसए के साथ में कंपेयर करेंगे ज़्यादा है। और आपको पता ही है अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है साउथ अमेरिका का, उसके अंदर ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी। ये कुछ एग्जाम्पल है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम ही बोल रहे हैं, हमने ये पढ़ा ना एक स्लाइड पहले ये पढ़ा है कि किस तरह से पोल्स में कम है डाइवर्सिटी और इक्वेटर में ज़्यादा है। इसी चीज़ का एग्जाम्पल है कि कोलंबिया जो है, ये कोलंबिया इक्वेटर के पास में है तो यहाँ पे 1400 स्पीशीज हैं, इंडिया के अंदर 1200 हैं उसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। नेक्स्ट, इक्वेडोर जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसके अंदर 10 गुना ज़्यादा वेस्कुलर प्लांट्स है एज कम्पेयर टू ए टेम्परेट जोन मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। और आप सबको पता है अमेजन जो है ये लंग्स हैं पूरे अर्थ के, सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी वहीं पर मिलती है, ठीक है। आगे ये देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर वैन हम्बोल्ट। इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने साउथ अफ्रीका के जंगलों पे रिसर्च की, और इनका रिसर्च का क्या मानना था, इनका रिसर्च का ये मानना था कि चलिए मैं नोट पे बताता हूँ ये बात, ठीक है। इनका क्या मानना था रिसर्च का, इनका ये मानना था कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे, जैसे जैसे क्या होगा बच्चों, एरिया बढ़ेगा, डाइवर्सिटी भी क्या होगी, डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी भाई। कब तक, एक लिमिट तक, उसके बाद में आप कितना भी एरिया बढ़ाओ डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, अब डाइवर्सिटी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे डाइवर्सिटी बढ़ेगी, बट एरिया उस एक टाइम के बाद में आप कितना भी एरिया बढ़ाओ डाइवर्सिटी नहीं बढ़ेगी। ये जो चीज है ना, ये इन्होंने ग्राफ में बनाई तो वो ग्राफ आया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका जो रिलेशनशिप इन्होंने प्लॉट किया ना, स्पीशीज रिचनेस और एरिया का, ये बड़ी, और इसका जो रिलेशनशिप आया वो कैसा आया बच्चों, वो आया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप में। और इससे एक इक्वेशन निकल के आई, एस इज इक्वल टू सी ए जेड, ठीक है। ये क्या है, एस इज स्पीशीज रिचनेस, ए इज एरिया, जेड इज स्लोप ऑफ लाइन, y c is intercept, और इसको log के फॉर्म में लिखा तो log s is equal to log c plus z log a। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। ये जो स्लोप है ना z, दिस इज स्लोप ऑफ लाइन, या इसको हम
जो है इसकी वैल्यू जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और वैल्यू किस तरह से ज़रूरी है, इसको हम कह रहे हैं जेड की वैल्यू, है ना, इसको हम कहेंगे कोफिशेंट ऑफ रिग्रेशन, ठीक है, या स्लोप जो भी है, इसकी वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूँ। ये स्मॉल एरिया के लिए कैसी होगी, ये देखिए, स्मॉल एरिया जैसे ब्रिटेन में प्लांट्स के लिए, जैसे कैलिफोर्निया में बर्ड्स के लिए, जैसे न्यूयॉर्क में मोलस्क के लिए, इसकी वैल्यू 0.1 से लेकर 0.2 तक ही जाएगी, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ जेड जो है, स्लोप जो है लाइन का, स्मॉल एरिया के अंदर इसकी जो वैल्यू है 0.1 से 0.2 जाएगी। और जैसे स्मॉल एरिया जैसे ब्रिटेन में प्लांट्स का, कैलिफोर्निया में बर्ड्स का, न्यूयॉर्क में मोलस्क का, ठीक है, लार्ज एरिया में इसकी वैल्यू 0.6 से लेकर 1.2 में जाएगी। जैसे 1.15 फ्रुगिवोरस बर्ड्स का है और मैमल्स का है, कहाँ पे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ही स्टीप क्या होगी, ये स्लोप होगी, उतना ही जेड जो होगा वो स्लोप को दिखाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है भाई। तो स्पीशीज रिचनेस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, रीसाइलेंसिंग अभी मैं बताऊंगा, और ये क्या है कि हेल्थ को इम्पॉर्टेंट करता है। अब मैं आपको समझाता हूँ स्पीशीज रिचनेस। भाई जितनी ज़्यादा स्पीशीज होगी, आप सबको पता है, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा भाई सिस्टम। क्यों, बाहर से आने वाली जो प्रॉब्लम है उन सब, ये जो नंबर में ज़्यादा लोग हैं ना, ये बाहर के अटैक को आराम से झेल सकते हैं, ठीक है। ये जो बाहरी अटैक है, रीसाइलेंसिंग, रीसाइलेंस कहते हैं इसको, ठीक है। अब भाई स्टेबिलिटी कैसे है, ज़्यादा स्पीशीज है कम्युनिटी में, ज़्यादा स्टेबल सिस्टम है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी सबसे पहले साल दर साल होने वाले जो ह्यूमन के कारण जो डिस्टरबेंस है उससे बचा रहेगा, शिकार हो गया, प्रोडक्ट के लिए मार रहे हैं। दूसरा, किसी दूसरे एलियन स्पीशीज के आने से भी वो क्या है, बिल्कुल स्टेबल है। तीसरा, साल दर साल होने वाला जो वेरिएशन है या जो प्रोडक्टिविटी है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। ये उन चेंजेस से खुद को क्या कर सकते हैं बच्चों, बचा सकते हैं, उन चेंजेस से खुद को ये स्टेबल रख सकते हैं। आगे ही बात यहाँ पे, चलिए अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ चुके हैं, इकोसिस्टम हेल्थ के बारे में। और इकोसिस्टम हेल्थ क्या है भाई, सवाल ये उठता है कि क्या स्पीशीज एक्सटिंक्शन हार्मफुल है, और किस हद तक हार्मफुल है, किस हद तक हार्मफुल है। क्या यार ऐसा है कि भाई स्पीशीज यदि बहुत सारी, ऐसा है नहीं कि स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, लेकिन किस हद तक वो उसका एक्सटेंशन हार्मफुल है, ये हमें देखना है, ठीक है ना। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज होंगी, इसका मतलब है लार्ज नंबर ऑफ निचेज होंगे, इसका मतलब है ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, इसका मतलब है ज़्यादा इंटर रिलेशनशिप होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं भाई, ज़्यादा स्पीशीज होंगी यदि, तो ज़्यादा बहुत सारे निचेज होंगे, है ना, निके बहुत सारे होंगे ना, ज़्यादा स्पीशीज मतलब ज़्यादा निके, मतलब ज़्यादा इंटरेक्शन ऑर्गेनिज्म का, मतलब ज़्यादा इंटर रिलेशनशिप होगा। इसको प्रूफ करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस दी, जिनका नाम था पॉल एलरिक, और इन्होंने रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस दी। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि भाई एक प्लेन है इकोसिस्टम, और ये छोटे छोटे से पार्ट से मिलके बना है, ठीक है ना। उन्होंने उस छोटे छोटे से पार्ट को कहा पॉपेट, ठीक है ना, कहीं लिखा होगा मैंने रिवर पॉपेट, इस थ्योरी का नाम है रिवर पॉपर पॉपेट, पॉपेट ये जो पॉपेट है इसके बारे में कहानी बता रहा हूँ। एक एक पैसेंजर आया, और उस एक एक पैसेंजर ने क्या किया, एक एक पैसेंजर ने एक एक पार्ट निकाल लिया, तो क्या पूरा प्लेन एकदम से क्रैश कर जाएगा, क्या पूरा इकोसिस्टम एकदम से क्रैश कर जाएगा, नहीं होगा। क्या होगा, ये कि कौन सा पार्ट लेके जा रहा है, इनिशियली कोई दिक्कत नहीं है, जब ज़्यादा पार्ट जाने लग जाएंगे ना तब जाके दिक्कत आएगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो एरोप्लेन जो इकोसिस्टम है हमारा, इसका कौन सा इंजन वाला पार्ट ले गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इंजन वाला पार्ट ले गया है इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअल में इकोसिस्टम की कीस्टोन स्पीशीज है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये बोल रहा हूं आपको कि भाई प्लेन के जो विंग्स हैं इनका पार्ट ले गया,
तो कौन सा पार्ट ले जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट एक्सटिंक्ट हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या वो पार्ट जो है जो एक्सटिंक्ट होने की हो गया है, क्या वो कीस्टोन स्पीशीज है? यदि कीस्टोन स्पीशीज है तो एकदम से पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम वो क्या कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा। और इस तरह से हमने ये जो पॉल एलरिक की जो थ्योरी थी, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी। ठीक है, अब हम आ चुके हैं अपना नेक्स्ट पार्ट के अंदर, अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर कि लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी कैसे हो रहा है। तो लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले मास एक्सटेंशन, जैसे इस दुनिया के अंदर डायनासोर कैसे खत्म हुए, बहुत सारी थ्योरीज हैं। सबसे पहली थ्योरी ये कहती है कि भाई टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया था कि वो ऑप्टिमम नहीं था डायनासोर्स के लिए, पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि एक उल्कापिंड आया और जो पृथ्वी से टकराया, और जब वो पृथ्वी से टकराया तो उसने ये जो पूरे डायनासोर्स थे ना इसमें मर गए। तो एक साथ बहुत सारा मास एक्सटिंक्शन भी हो सकता है यार। आपको पता होगा आजकल न्यूज़ में बहुत बहुत बार ऐसा आता है कि कई समुद्रों के किनारे बहुत सारी व्हेल मछलियां एक साथ मरी हुई मिली, तो वो मास एक्सटिंक्शन है, तो ऐसा हो सकता है। दूसरा है नेचुरल एक्सटिंक्शन, भाई कि आपको पता है धीरे धीरे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एटमोसफियर चेंज हो रहा है, तो आपने डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो जो फिट नहीं है वो अपने आप क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, वो चलो नेचुरल एक्सटिंक्शन। बट एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन का मतलब है इंसानों के कारण, इंसानों की एक्टिविटीज के कारण बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो इंसानों की एक्टिविटी के कारण बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्यों मर रहे हैं, पॉल्यूशन के कारण मर रहे हैं। कुछ जो है ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, हाथी को मारा जाता है सिर्फ उसके दांतों के लिए, जो गैंडा होता है गैंडे का जो सींग है वो सींग से बहुत सारी दवाइयां बनती हैं। तो सोचो यार, उसको पहले पकड़ा जाएगा, उसको मारा जाएगा, फिर उसके सींग को निकाल के उससे दवाई बनाई जाएगी, कितना खतरनाक चीज है। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन भी हो रहा है नेचर में। नेक्स्ट आगे हम बात कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल्स बता रहा हूं मैं आपको कैसे कैसे क्या क्या हुआ। पैसिफिक आइलैंड पे पहले ह्यूमन नहीं था, जब से ह्यूमन आया है इसके 2000 बर्ड की स्पीशीज वहां से एक्सटिंक्ट हो गई, एक ह्यूमन के आने से सिर्फ। दूसरी चीज, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने अपनी एक लिस्ट जारी की है, उसके अकॉर्डिंग 784 स्पीशीज पिछले 500 सालों में खत्म हो चुकी हैं। जैसे इनमें से NCERT की लाइन है इसलिए हमें याद होना चाहिए, 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं और 87 प्लांट्स हैं। पहले जमाने के अंदर क्या किया जाता था कि कबूतरों पे बहुत नजर रखी जाती थी, क्योंकि कबूतर ही वो चीज होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह संदेश लेके जाते थे। तो क्या हुआ, लोगों ने क्या किया साहब, लोगों ने ये रूल बना लिया कि यदि उड़ता हुआ कबूतर कहीं भी दिख रहा है सीधे उस पर तीर मारो या गोली मारो और उसको नीचे मारो, क्यों, वो संदेश लेके जा रहा है। इस चक्कर में क्या हुआ, बहुत सारे कबूतर मर गए। दिल्ली 6 एक एरिया है, दिल्ली 6 के अंदर आज भी बहुत सारे कबूतरों को पाला जाता है, और कबूतर इतने मतलब उनको इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि दो कबूतर होते हैं, उन कबूतरों को उड़ाता है उनका मालिक, और वो बहुत सारे कबूतरों के टोलों में जाके और बहुत सारे कबूतरों को अपने साथ उसकी छत पे ले आते हैं और उसको पालतू बनाने में, देखो कितनी बड़ी टेक्निक होती है। कुछ दिल्ली 6 वाला एरिया है उसके अंदर बाज पाले गए, लोगों ने बाज पाल रखे हैं, वो बाज क्या करते हैं उन कबूतरों के पीछे उड़ते हैं और उन कबूतरों को कैसे ना कैसे करके छत के ऊपर वापस क्या करते हैं, उसी छत के ऊपर लैंड करवा देते हैं जहाँ पे जाल लगा रखा है, और इस तरह से कबूतर को मतलब यूज किया जाता है। तो कौन कौन से, डोडो एक्सटिंक्ट हो चुका है, क्वागा, थाइलेसाइन, स्टीलर सीकाओ, ये सभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं अभी तक। तीन सब स्पीशीज टाइगर की, बाली, जावा और कैस्पियंस में से, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ध्यान से सुनना, 15,500 स्पीशीज में से 12% बर्ड, 23% मैमल, 31% जिम्नोस्पर्म और 32% एम्फीबियन जो है ये खतरे की कगार पे हैं अभी तक, ठीक है ना। ये सब क्या है, खतरे की कगार पे है। नेक्स्ट, अब कैसे बायोडायवर्सिटी का लॉस होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। ध्यान से सुनना मेरी बात को, शेर जो है वो पिंजरे में रहने के लिए नहीं बनाए, शेर एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है और उस एरिया में क्या यूरिन करता है वो जगह जगह, वो यूरिन करने का मतलब है पेड़ों के ऊपर अलग अलग पोर्शन पे यूरिन कर लेगा, और यूरिन करने का मतलब क्या है, ये एरिया उसने मार्क्ड कर दिया कि इस एरिया का मालिक वो है। अब ऐसा एक एरिया है, मैंने बताया ना आपको शेर को बहुत बड़ा एरिया चाहिए,
अब हुआ ऐसा साहब, जंगल के बीच में से एक रोड बनाएगी। बहुत सारी जगह है, आप कभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाएंगे तो वहां पे बीच में रोड है ना, बहुत बड़ा एरिया है। क्या ऐसा नहीं है कि रोड में वहां रात को जाना अलाउड नहीं है? बिल्कुल अलाउड है। ऐसा कभी ना कभी जरूर होगा, ऐसा कभी ना कभी जरूर होगा कि उन रोडों पे शेर आएगा या और कोई हाथी आएगा या कोई जंगली जानवर आएगा और तेज स्पीड में आती हुई गाड़ी से वो क्लैश जरूर करेगा, ठीक है ना कहीं बिल्कुल ऐसा होगा। तो क्या किया हम लोगों ने, हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन कर दिया, वो जो जंगल था उसको दो भागों में, बीच में रोड करके दो भागों में विभाजित कर दिया। इधर वाला जानवर इधर जाएगा तो मरेगा, इधर वाला जानवर इधर जाएगा तो मरेगा, एरिया कम कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज भाई, आप लोगों को पता है शेर, देखो हमेशा एक बात, एक साइंस चलती है जिस साइंस का नाम है इथोलॉजी। ये साइंस बिहेवियर को पढ़ती है, इसीलिए किसी भी इथोलॉजिस्ट को ये पता होता है कि कब शेर हमला बोलने वाला है, क्या शेर को एक चीज़ पसंद आ रही है नहीं आ रही, क्या ये बंदर है, ये ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इन सब चीज़ों को एक इथोलॉजिस्ट अच्छी तरह जानता है। मैं ये हैबिटेट लॉस वाला पॉइंट आपको समझा रहा हूँ कि भाई शेर जब पिंजरे के अंदर रहता है तो यदि वो 50 साल जी, उसकी लाइफ स्पेन है, वो 30 साल ही जिएगा, तो इसीलिए हैबिटेट जिस तरह वो रहता है उसको वो प्रोवाइड कराओ भाई। शेर जंगल में रहने का आदि है, गुफाओं में रहता है, मस्त होके पूरे दिन भर सोता है, पूरा दिन शेर सोता है, सिर्फ रात को शिकार करता है, महीने में सिर्फ 3 बार ही खाना खाता है। शेर को खाना मिलता ही नहीं है, शेर को खाना मिलता ही नहीं है, महीने में सिर्फ 3 बार ही शिकार करता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखो, एक्सटिंक्ट होने का खतरा किसको है, जो बॉडी साइज जिनका बड़ा है, पहली चीज, रिप्रोडक्शन की रेट जिनकी कम है, दूसरी चीज, तीसरी चीज, जो हायर ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं, और जो हायर ट्रॉपिक लेवल पे जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको खाना कम मिलता है, तो उनके हैबिटेट को हमने खत्म कर दिया है। बहुत सारे ऐसे जंगल हैं जो अब काटे जा रहे हैं लकड़ी के चक्कर में, जंगल लकड़ी के चक्कर में काटे जा रहे हैं, अब जो जमीन साफ हो गई है तो वहां पे कोई ना कोई आके आराम से रह रहा है। ये जो चीज है ये बहुत गंदी है, और इस गलत चीज को कम किया जाए ताकि बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर सके। तो पहला पॉइंट हो गया कि हैबिटेट किस तरह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अमेजन रेन फॉरेस्ट, आपको पता है कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि अमेजन रेन फॉरेस्ट का बहुत बड़ा पार्ट जल रहा है। क्या किया लोगों ने? कुछ नहीं किया। सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। ठीक है, क्या हुआ? बारिश हुई, नेचर ने संभाला उसको, बारिश हुई और कैसे ना कैसे करके वो आग रुकी। लेकिन वो आग क्या रुकी है? वो आग एक्चुअल में रुकी नहीं है, उसने बहुत सारी स्पीशीज एकदम से खत्म कर दी। जंगल में जब आग लगती है ना तो कोई नहीं भाग पाता कहीं पे भी, कि कहाँ भाग के कहाँ जाएगा जंगल की आग से। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जंगल में आग लगी कोई नहीं भाग गया, इसका मतलब है वहां पे रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु हैं मर गए। मैं आपको एक और चीज बता दूं, आपने देखा होगा चिड़ियों के घोंसले हमेशा पेड़ों पे होते हैं, है ना, लेकिन बहुत सारी ऐसी चिड़िया होती है जो जमीनों में भी अपने जो है बिल्कुल नीचे घोंसला बना देती है। अब गलती से यदि जंगल में आग लगती है ना तो सबसे पहले वो जो छोटे छोटे से बच्चे हैं चिड़िया के, जिसको वो उठा के इतनी जल्दी ट्रांसफर नहीं कर पाती, वो मरेंगे सबसे पहले। इसका मतलब आगे आने वाली जनरेशन भी खत्म हो रही है उसके चक्कर में, ठीक है। तो पहली चीज हो गई हमारी हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। इसीलिए जंगलों के बीच में कभी भी यदि रोड बनाई जाती है तो बहुत सारी चीजों से परमिशन ली जाती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो इस चीज को देखते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, माइनिंग इंडस्ट्री है ना, कोटा के आसपास बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां पे पहाड़ों को खोद के पत्थर निकाला जा रहा है। अब आपको क्या लगता है, पहाड़ जो है उनमें क्या ऑर्गेनिज्म नहीं रह रहे थे? रह रहे थे साहब, लेकिन उन्होंने तो पहाड़ी खत्म कर दिए। अब जब पहाड़ी खत्म हो जाएंगे तो भाई कहाँ उस पे रहने वाले जीव कहाँ जाएंगे, वो कहीं ना कहीं रोडों पे भागेंगे। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, यदि इस दुनिया के अंदर कभी भी लड़ाई होगी किसी जानवर की और इंसान की, तो जीतेगा हमेशा इंसान। रीजन ये है क्योंकि जानवर को हमला करने के लिए पास आना पड़ता है और इंसान दूर बैठे ही आराम से क्या करता है, पिस्टल, मिसाइल्स, इन सब की हेल्प से क्या कर सकता है, मशीन्स की हेल्प से उसको मार सकता है। तो इसीलिए ये माना जाता है कि किसी भी जंगली जानवर का किसी भी इंसान के साथ में यदि इंट्रैक्शन नहीं होना, यही सबसे बेहतरीन चीज़ है। इसीलिए पहले ज़माने में क्या होता था कि सर्कस के अंदर एनिमल्स को रखा जाता था और एनिमल्स को ट्रेन किया जाता था, लेकिन ये देखा गया कि सर्कस वाले जो वो जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो डरते ही नहीं थे, उनको डर ही नहीं लगता था, क्योंकि वो ह्यूमन के नेचर को प्रिडिक्ट कर लेते थे कि क्या करेगा, ये मारेगा ना, ठीक है इस पर हमला बोलूं।
तो सर्कस के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए जबकि जो ट्रेनर था उसको शेरों ने मार दिया। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि आप एक काम कीजिए, आप इसके इनके नेचर को ख़राब कर रहे हैं, वो सारे शेर लेके कॉर्बेट नेशनल पार्क, रणथंबोर और आपका गिर, जहाँ जहाँ है वो जंगलों में छोड़ दिए गए, मध्य प्रदेश छोड़ दिए गए। अब हुआ क्या? अब हुआ ऐसा कि जैसे ही वो शेर आदमी देखते हैं वो डरते थोड़ी हैं, उनको तो पता ही क्या करेगा, गोली मारेगा, वो जाके उस पर हमला कर रहे हैं। इसकी वजह से इंटरैक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अब जब एक दो हमले हो जाते हैं तो आदमी क्या सोचता है? आदमी ये सोचता है अब उनको क्या करो, मारो। और इसी के कारण जो धीरे धीरे से टाइगर का नंबर है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ध्यान से सुनना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ भाई, हमारे यहाँ एक लड़का है नवनीत, उसकी शादी हुई। अब नवनीत की शादी हुई तो क्या किया गया साहब, उसने डिमांड की कि हमें तो एक सोफ़ा चाहिए साहब, लकड़ी का। आपको पता है बहुत डिफरेंट टाइप की लकड़ी है ना। उसने कहा जी हमें तो चंदन की लकड़ी का सोफ़ा चाहिए। गए साहब ससुराल वाले। अब ससुराल वाले चंदन जहाँ मिलता है भाई, जहाँ पे आपको पता है ना तस्कर था वो वीरप्पन, उसके एरिए में गए, लकड़ी काट के लाए। भाई एक सोफे के लिए बहुत सारा चंदन की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी लकड़ियाँ लाई गई। अब जो नवनीत जी थे उन्होंने एक और डिमांड रख दी कि साहब हमें तो दो सोफे चाहिए। गए साहब वापस, लकड़ी काट के लाए, सोफे बनाए, ठीक है। तो क्या आपको नहीं लगता कि बिना सोफे के भी काम हो सकता था? हो सकता था, लेकिन नवनीत एक नंबर का लालची आदमी था, उसने क्या किया और सोफों की डिमांड करके ओवर एक्सप्लॉइट किया नेचर को। उसको पता है यार काट के लाएंगे ये मेरे लिए और बनाएंगे, ठीक है। इसका बहुत बड़ा केस है ये कि जो एक राजा हुआ करता था जोधपुर का, है ना, उसने क्या किया, उसने नए महल बनाने के लिए लकड़ी काटने के लिए अपने जो भी सैनिक थे उसको भेजा। तो वहाँ पे ये जोधपुर की बात है अपने, जोधपुर में फिर क्या हुआ कि वहाँ भाई जो भी आदमी लोग थे वो सब गए हुए थे इधर उधर, घर में सिर्फ औरतें थी, उनमें से एक औरत थी जिसका नाम था अमृता, अमृता देवी। वो अमृता देवी, उसको पता लगा यार जंगल काटने आ रहे हैं, ये हमारे पेड़ काट रहे हैं, वो गई और उसने मना किया भाई पेड़ मत काटो। राजा के लोग यार कैसे मानते कि पेड़ क्यों नहीं काटो। तो वो क्या, उसने क्या किया, राजा के लोगों को वार्निंग दी और कही कि इस पेड़ को यदि आप काटोगे तो पहले मुझे काटना पड़ेगा। राजा के लोग बड़े सेंटी थे, उन्होंने क्या उसको भी काट दिया और पेड़ भी काट दिया। अब इतना बड़ा बलिदान सुन के पूरे गांव में हल्ला हो गया और जितने भी आदमी तो सब काम करने गए हुए थे, जितनी भी औरतें थी वो सभी वहाँ, जितने पेड़ थे उन सबकी चिपक गई और राजा के जो लोग थे उन्होंने पेड़ के साथ में उन सबको काट दिया। ये कहानी जोधपुर के अंदर बहुत मशहूर है और इस समाज का नाम था विश्नोई समाज। तो विश्नोई समाज ने इतना कुछ डेडिकेशन किया, इसीलिए अब एक प्राइज मिलता है, अमृता देवी विश्नोई प्राइज हर साल में उन लोगों को मिलता है जिन लोगों ने नेचर को बचाने के लिए कुछ काम किया। तो वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ओवर एक्सप्लॉइट हो रही है चीजें, इन चीजों को कम किया जाना चाहिए। क्यों पेड़ काट रहे हो, है ना, क्यों पेड़ काट रहे हो, क्यों दूसरे सोफे की क्यों रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कुछ लोग, अब ध्यान से सुनना, चाइना के अंदर एक कहानी है, चाइना के अंदर ये कहानी है, जापान के अंदर ये कहानी है, यदि आपने इस साल झींगा मछली खाई है पूरे साल में तो अब आपको मार्केट में अगले साल झींगा मछली नहीं मिलेगी। क्यों? जो मछुआरे जाते हैं यदि उन्होंने जाल फेंका है और उसमें झींगा आ गई है तो वो वापस उसको छोड़ देंगे। क्यों भाई? अरे यार नंबर तो बढ़े पहले, आपने एक साल तो बहुत जम के खा लिया, अब उसको एक साल दो ताकि उनका नंबर वापस बढ़ सके। देखो जापानीज कितनी ध्यान रखते हैं नेचर का, ठीक है। तो ओवर एक्सप्लॉइट ना करें, पसंद ना बनाएं किसी चीज़ को अपनी, ये सेकंड पॉइंट था जिसके कारण बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, लॉस होगी। अब तीसरा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और थर्ड पॉइंट इज एलियन स्पीशीज इन्वेंशन। देखो क्या है कि एक मैं था भाई, मैं गया एक जगह, पाकिस्तान गया मैं, पाकिस्तान में गया। तो भाई पाकिस्तान में क्या, बहुत सारे वहाँ पे ना मीट मिल रहा था। अब मैं पाकिस्तान में गया तो मैंने कहा कि भाई मैं मीट खाऊंगा। बोले हाँ भाई साहब आप मीट खा लो। तो बोले कितने कितने का मीट है? बोले 300 रुपये में आप अनलिमिटेड खा लो। उनको पता ही नहीं था मैं कितना बड़ा भूखा आदमी हूँ। मैंने 400 किलो मीट खा ली। अब जब मैंने 400 किलो मीट खा ली तो पूरे पाकिस्तान में हल्ला हो गया, और यार ये कोई इंडियन आया हुआ है, 400 किलो मीट खाता है ये। तो आपको लगता है कि मैंने उनके एरिया में घुसपैठ की, पहली चीज़, है ना। दूसरी चीज़, मैंने उनके रिसोर्सेज को यूज़ किया और उनके रिसोर्सेज का भाई पूरे पाकिस्तान में फिर क्या हुआ, बकरों की अत्यधिक कमी हो गई, पूरा मीट तो मैं ही खा रहा हूँ। तो अब वहाँ पे क्या मारामारी नहीं होगी? होगी ना,
इसी को हम कहते हैं एलियन स्पीशीज इन्वेंशन, किसी दूसरे के एरिए में एक ऐसी स्पीशीज चली गई जो स्पीशीज उनसे ज्यादा पावरफुल थी और उसने वहां मौजूद उनके फूड या उनके रिसोर्सेज का यूज करना स्टार्ट कर दिया, और वो स्टार्ट नहीं किया, वो एक्सप्लोइट किया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक एरिया था वहां पे ये कमरा, एक कमरा था, उस कमरे को बंद कर दिया गया, हमारे डायरेक्टर साहब वहां पे, एक हमारे विकास सर हैं वो वहां पे, और एक मैं वहां पे, सिर्फ तीन जने। अब हम 10 दिन तक भूखे रहे, भूखे रहे तो क्या हुआ साहब, यहाँ पे नीचे से कहीं से तैरते हुए ना 2 रोटियां आ गई। अब आपको पता है ताकतवर तो मैं ही हूँ, तो रोटी कौन खाएगा, सिर्फ मैं खाऊंगा। ठीक है, लेकिन बाकी तो क्या होंगे, बाकी तो धीरे धीरे से मर जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे मेरे से, मैं उनको रोटी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ताकतवर हूँ, मैं एक बाहर की स्पीशीज हूँ जो इनके एरिया में आई थी और इनका खाना खा गई। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट को एक्सटिंक्शन। भाई आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर जब हम पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं, हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक ना आप लोगों ने पढ़ रखा होगा क्लास 12th के अंदर, एक भाई पेड़ है जिसका नाम है ऑफ्रिसा। ठीक है, ऑफ्रिसा जो पेड़ है ना, उसकी एक पत्ती बिल्कुल फीमेल मौत की तरह हो जाती है। अब क्या लगता है मेल मौत को कि यार ये तो फीमेल मौत है ना, वो आता है इससे कॉपुलेशन करने, और जैसे ही इसके कॉपुलेशन करता है ऊपर से क्या होता है उसके ऊपर जो स्टिग्मा है ना भाई, स्टिग्मा क्या, पोलन, वो पोलन उसके ऊपर शेड आउट कर देते हैं। फिर उसको समझ भी नहीं आता अरे हुआ क्या, ये तो कोलपथ ही नहीं है ना, वो तो मोहब्बत में आ गया बड़ी मुश्किल से। अब वो क्या करेगा, वो दूसरी जगह देखेगा तो दूसरे पेड़ ने भी अपनी एक पत्ती किस तरह बना रखी है, बिल्कुल फीमेल कोलपा की तरह बना रखी है, वो वापस उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वापस कॉपुलेट करने जाएगा, वापस धोखे में क्या कर जाएगा, पॉलिनेशन कर जाएगा। यदि वो पेड़ जिंदा है उस कोलपा के चक्कर में जिंदा है, ठीक है, वो पॉलिनेशन कर रहा है, यदि वो खत्म हो गया तो पेड़ भी खत्म हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब है वो दोनों एक दूसरे के साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक भी यदि खत्म हो गया तो दूसरा क्या होगा, टावर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कोएक्सटेंशन, पॉलिनेशन प्लस पॉलिनेटर दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं। चलो अब एलियन स्पीशीज जो इन्वेंशन है इसके एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हमने पढ़ लिया, ओवर एक्सप्लोटेशन हमने पढ़ लिया, कोएक्सटेंशन हमने बता दिया, और ये जो एग्जांपल्स हैं ये मैंने नहीं लिखे हैं, ये रहे भाई बच गए, वरना मैं मुझे नोट पे पढ़ाने पड़ते हैं। ध्यान से सुनो, नील पर्च नाम से एक फिश है, ठीक है ना, ये क्या हुआ, ये इंट्रोड्यूस की गई लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका के अंदर, और इसने क्या किया, वहां पर रहने उस लेक के अंदर रहने वाली 200 चिचलिड जो फिश है उनको खत्म कर दिया। क्यों भाई, बड़ी है, भयंकर मछली है, खाना पूरा खा जाती है, बाकी मछलियां गरीबों की तरह मर गई, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया के अंदर क्या है कि कैरेट ग्रास आया था भाई, है ना, ये कैरेट ग्रास है ना एक्सपोर्ट हुआ था बाहर से, ये कैरेट ग्रास एक्सपोर्ट हुआ तो फैल गया ये एकदम से, कहीं किसी ने उगा दिया गेहूं के साथ में। अब गेहूं के साथ में उगाने के बाद में जो हल्ला मचा इंडिया के अंदर, ये आज तक नहीं हटाया जा सका, बहुत सारे पार्ट के अंदर ये फैले हुए हैं। तीसरा, लेंटाना एक वीड है इंडिया के अंदर जो कि ट्रॉपिकन अमेरिका से गलती से आ गई थी, वो भी वीड की तरह। वाटर हाइसेंथ का केस जो है ये भी हम डील करेंगे, और ध्यान रखना अफ्रीकन कैटफिश जो है ये लाई गई, इंट्रोड्यूस की गई किस चीज के लिए, एक्वा कल्चर के लिए, और उसने वहां पे रहने वाली कैट फिशेस को पूरी तरह एक्सटेंड कर दिया। मैं अब वाटर हाइसेंथ का केस बता रहा हूं, देखो इसको कहते हैं बंगाल का आतंक। क्यों कहते हैं इसको बंगाल का आतंक, ये भाई इसके बड़े खूबसूरत तो पत्ते होते हैं और बहुत खूबसूरत फूल होते हैं। अब ये क्या वीट, ये इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ गलती से एक्सीडेंटली, यूरोप से कहां गया, इंडिया में आ गया गलती से। अब इंडिया में क्या किया, किसी ने ना पानी के अंदर इसको छोड़ दिया, उगा दिया। पानी के अंदर जब ये फैलना स्टार्ट हुआ ना, तो आज तक का रिकॉर्ड है ये हटाया ही नहीं जा सका। अब इसने क्या किया, जितने भी सिवर लाइंस थी ना वो भी पानी से कहीं ना कहीं जुड़ी है, उनके अंदर फैल गया, वाटर बॉडीज के अंदर फैल गया, बिल्कुल फैल गया। लोग बेचारे जैसे इसको काटते, कट गया, वेजिटेटिवली प्रोपोगेट कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारी ऐसी बेलें होती हैं जिनको काट दो वो बढ़ जाती हैं और
वो दो भाग, इसका मतलब दो पेड़ बन गया, ऐसा इसके साथ वेजिटेटिव भी प्रोपोगेट किया और इसने पूरा का पूरा इंडिया क्या कर दिया, जो अपना बंगाल वाला रीजन है ना वहाँ पे तो हर जगह फैल गई है, हटाया नहीं जा सका। रीज़न क्या है, नेचुरली इसको खाने वाला कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना, मोर को कोई नहीं खाता है, मोर को कोई नहीं खाता है, उसका नेचुरल प्रीडेटर है ही नहीं दुनिया में। ठीक है, कुत्ते उत्ते पड़ावा मिल जाएगा तो खा लेंगे, बाकी नेचुरल प्रीडेटर नहीं है उसका। ठीक है, ऐसे ही इसका नेचुरल प्रीडेटर इंडिया के अंदर मौजूद नहीं है जो इसको ख़त्म कर पाए, तो इसलिए इंडिया के अंदर बहुत भयानक स्थिति में है, इसलिए इसको कहते हैं बंगाल टेरर। ठीक है, चलिए स्टार्ट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। हमने देख लिया क्यों कंजर्व करना चाहिए और कैसे कंजर्व करना चाहिए। इसके अंदर हम ये बोल रहे हैं कि कुछ हमें नैरोली जो यूजेस हमें मिल रहे हैं बायोडाइवर्सिटी से उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे डायरेक्ट फूड मिल रहा है, वेजिटेबल मिल रहा है, ठीक है, फ्रूट्स मिल रहे हैं, ठीक है, फूड मिल रहा है, वेजिटेबल मिल रहा है, फ्रूट्स मिल रहे हैं, साथ में आपको टिम्बर मिल रहा है, पेपर मिल रहा है, ये जो डायरेक्ट बेनिफिट आप ले रहे हो, मेडिसिन्स मिल रहे हैं, ये जो डायरेक्ट बेनिफिट्स आप ले रहे हो ये नैरोली यूटिलिटेरियंस में आ रहा है, और ये जो डायरेक्ट हमें मिल रहा है नेचर से। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रॉडली के अंदर कौन कौन सी हैं। देखिए, ऑक्सीजन हमें एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस मिल रहा है, पॉलिनेशन कर रहा है, एसिथिक प्लेजर मिल रहा है, फ्लड और इरोजन कंट्रोल हो रहा है, ये सभी इनडायरेक्ट इसके यूजेस हैं या इनडायरेक्ट जो सर्विसेज हैं जो हमें मिल रही हैं बायोडाइवर्सिटी से। नेक्स्ट वाला जो है वो है इथिकल, और एथिकल के अंदर जो हमारी बात आई है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज इम्पॉर्टेंट, और हम इसलिए कई सारे ऑर्गेनिजम्स को पूजते हैं, बहुत सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं कि यार नहीं होना चाहिए ऐसा, तो ये एक एथिकल इशू भी है जो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी या हर एक ऑर्गेनिज्म के साथ में जुड़ा हुआ है। तो अब सवाल ये आता है कि कंजर्वेशन कैसे करें, क्यों करें, क्या ज़रूरत है। तो भाई, कंजर्वेशन के लिए हम लोगों ने बताया था कि इन सीटू और एक्स सीटू टाइप का कंजर्वेशन है चैप्टर नंबर 1 में। यदि ऑन साइट कंजर्वेशन होगा तो उसको इन सीटू करेंगे, यदि ऑफ साइट कंजर्वेशन होगा तो इसको एक्स सीटू कहेंगे। जब भी इन सीटू के बारे में बात करते हैं तो हमेशा एक बात ध्यान रखना इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम कंजर्व किया जाता है, वहां पे सिर्फ ऑर्गेनिज्म या फ्लोरा या जो फोना है उसको ही एक्स सीटू में क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि भाई इसको कंजर्व करने के जो तरीके हैं हमने डिफरेंट टाइप के, ये देखिए हमने इसके अंदर इसको मेंशन कर लिया। सबसे पहला, इन सीटू कंजर्वेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ द होल इकोसिस्टम एंड देयर नेचुरल हैबिटेट। सबसे पहला है हॉटस्पॉट, फिर है प्रोटेक्टेड एरियाज, इसके अंदर नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व है, हम इसको पढ़ेंगे। और एक्स सीटू कंजर्वेशन में है सेक्रेट प्लांट्स, सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, फील्ड जीन, होम गार्डन। सेक्रेट प्लांट्स आप सबको पता है, तुलसी, रुद्राक्ष, पीपल, ये सभी प्लांट्स की हमने अपने एस्थेटिक प्लेजर के साथ में इसको जोड़ लिया, और ये जो सेक्रेट प्लांट्स हैं इनको हम भाई एक तरह से कंजर्व कर रहे हैं। अब प्लांट कंजर्व हो रहा है इसका मतलब इनडायरेक्टली यही है कि उसका जीनोम भी क्या हो रहा है बच्चों, कंजर्व हो रहा है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, प्लांट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसके कारण है, उसके जीनोम के कारण है, और जीनोम कंजर्व हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पूरा प्लांट भी कंजर्व हो रहा है, जीनोम भी इनडायरेक्टली कंजर्व हो रहा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं होम गार्डन की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घरों के अंदर छोटा सा गार्डन बना रखा है, जिसके अंदर कई सारी ऐसी स्पीशीज वो लोग मेंटेन करके रखते हैं जो स्पीशीज बहुत कम जगह मिलती है। बहुत सारे मेरे जयपुर में मैंने देखा है, एक घर में गया था मैं, वहाँ पे बहुत सारे बॉन्साई के प्लांट्स रखे हुए थे। बॉन्साई प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें बरगद का पेड़ बहुत छोटा साइज में हो जाता है। तो ये जो किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे होम गार्डन जो है वो भी एक एक्स सीटू कंजर्वेशन का पार्ट है। नेक्स्ट, सीड बैंक। भाई आप सबको पता है प्लांट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नेक्स्ट जनरेशन को जो बनाती है वो है सीड, तो आप सीड को प्रिजर्व कर सकते हैं, चाहे वो क्रायो प्रिजर्वेशन से करें या कैसे भी करें, ठीक है ना। अब क्रायो प्रिजर्वेशन से करें तो भाई लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में क्या करोगे आप उसको प्रिजर्व रख सकते हो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए। बाकी कोई प्लांट है नेचुरली वो खत्म हो चुका है लेकिन उसके सीड्स हमारे पास सुरक्षित पड़े हैं, तो इसका मतलब साफ होता है यदि सीड सुरक्षित पड़ा है तो इसका मतलब है आप कभी भी उन सीड का क्या कर सकते हो बच्चों, यूज कर सकते हो
पूरा का पूरा कंप्लीट प्लांट उससे फॉर्म्ड कर सकते हो। और जब एक प्लांट बन जाएगा तो बहुत सारी टेक्निक आ गई है अब नेचर में, जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक, इसके थ्रू आप पूरा नया प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन हो ही गया, बाकी फील्ड वो हो ही गया। आगे अब हम बात करते हैं, सबसे पहला जो हमारा इन सीटू कंजर्वेशन का था वो था हॉट स्पॉट। तो देखो हॉट स्पॉट कौन सी जगह है भाई, ये वो जगह है जहां पे बहुत ज्यादा रिचेस्ट है बायोडायवर्सिटी होगी और जिसको सबसे ज्यादा खतरा भी है। ठीक है, इस जगहों को हमने मार्क कर दिया और इन जगहों को कह दिया हॉट स्पॉट, ध्यान से सुनना। ठीक है, यहां पे हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस होती है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है, हाई डिग्री ऑफ थ्रेट है, खतरा बहुत है। एंडेमिज्म का मतलब है यहां जो चीज पाई जाती है, एंडेमिक ऑर्गेनिज्म एक नाम आएगा, इसका मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही लोकेशन में वही मिले। ठीक है, और स्पीशीज रिचनेस है। ठीक है, यहां पे देखिए स्पीशीज ओनली फाउंड इन स्पेसिफिक एरिया, पहले 25 हॉट स्पॉट थे, अब जो है 34 हॉट स्पॉट है, और ये टोटल लैंड का सिर्फ 2% या उससे कम पार्ट ही क्या करते हैं, ये कवर अप करते हैं। यहां तक आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात कर रहे हैं हम, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो हॉटस्पॉट है वो एक तो वेस्टर्न घाट श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय रीजन जो है इसको भी हॉट स्पॉट के अंदर काउंट किया गया, क्योंकि हिमालय के अंदर ऐसी कई सारी स्पीशीज है जो और कहीं नहीं मिल रही है, एंडेमिज्म है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में बच्चों, तो ध्यान से सुनना। प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में यदि हम बात करें तो नेशनल पार्क सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारी चीजें हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा नेशनल पार्क के बारे में। अरे भाई ये जो नेशनल पार्क होता है, ध्यान से सुनना, ग्रेजिंग, ये ट्री, हैबिटेट मैनिपुलेशन, कल्टिवेशन, ये कुछ भी अलाउड नहीं है। आप वहां पे जाके पेड़ को काट नहीं सकते हो, आप वहां पे जाके मवेशियों को चरा नहीं सकते हो, वहां पे किसी भी तरह का कल्टिवेशन नहीं पता है। सबसे पहला जो येलो जो नेशनल पार्क था वो था येलोस्टोन नेशनल पार्क, और इंडिया का जो पहला नेशनल पार्क था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहां तक समझ में आ गया। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है बेटा, यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट कर सकते हो, टिम्बर को हार्वेस्ट कर सकते हो, खेती भी कर सकते हो, प्राइवेट ओनरशिप भी वहां पे अलाउड है, लेकिन कब तक, जब तक वहां की वाइल्ड लाइफ को कोई भी नुकसान ना हो। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ये दो कंसेप्ट तो हो गए पुराने, ये तो जो कंसेप्ट है ना, ये सब ये वाला, ये दोनों कंसेप्ट तो है पुराने। इसके बाद एक नया कंसेप्ट निकल के आया जिसको कहा बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व हो रहा है इसके अंदर क्या, आदिवासी जो लोग थे वो इनका मेन पार्ट था, ट्राइबल पीपल आर द इंटीग्रेटेड कंपोनेंट। और ये जो कंसेप्ट लॉन्च किया था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को का, 14 है इंडिया के अंदर, ये भी इसका जो स्टैटिस्टिक्स है उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, तीन टाइप के जोन है, ध्यान से सुनिएगा। बायोस्फीयर रिजर्व में तीन टाइप के जोन है, एक सबसे कोर पार्ट है जो सबसे अंदर, जहां पे जंगली जानवरों का नेटिव स्थान है वहां पे आपको जाना अलाउड ही नहीं है। ठीक है, उसके बगल में जो है वो है बफर जोन। ठीक है, बफर जोन जो है ये वो पार्ट है जहां पे वन विभाग ने अपना ऑफिस बना रखा है, बच्चों को या कोई भी साइंटिस्ट को वहां जाना अलाउड है, और बच्चे और साइंटिस्ट ही बफर जोन में जाके क्या करेंगे बच्चों, वो यहां जाके करेंगे रिसर्च। क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे कि भाई किस तरह से फीडिंग हैबिट है, बिहेवियर कैसा है। और सबसे जो कोने वाला जो जोन है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन। ये जो ट्रांजिशन जोन है इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये जो ट्रांजिशन जोन है ना, यहां पे ट्राइबल पीपल रह रहे हैं, और ये जो ट्राइबल पीपल्स हैं इनको सब कुछ पता है कि यार जंगली जानवर किस तरह से रहता है, रात को घर से नहीं निकलना है, इनका ये बिल्कुल नेटिव कल्चर है यहाँ पे, ये यहीं पे पले बढ़े हैं, यहीं पे रहेंगे, तो इंटीग्रेटेड पार्ट है इनकी लाइफ का, तो शेर वेर इनको सब आदत पड़ी है। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये बायोस्फीयर रिजर्व में आ गई हैं। और ये ध्यान रखना कि ऐसे ही मैंने और भी बताया आपको कि कुछ सेक्रेट फॉरेस्ट या सेक्रेट ग्रुप्स भी बनाए गए, इनको आस्था के साथ में जोड़ा गया, इसको आइलैंड ऑफ पैलेस्टीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ है ध्यान से सुना, खासी या जयंतिया हिल्स है मेघालय में, अरावली है राजस्थान में, वेस्टर्न घाट ये जो है कर्नाटका और महाराष्ट्र का, सरगुजा चंदा बस्तर एमपी के, ये सब वो जगह हैं जहाँ पे सेक्रेट ग्रुप्स जिनको घोषित कर दिया गया, पवित्र उपवन कहा जाता है इसको। ठीक है, ऐसी कुछ लेक्स भी हैं, पवित्र झीलें
जैसे पुष्कर लेक है हमारी और केचियो पालरी लेक है सिक्किम में, ये दोनों लेक सेक्रेट मानी जाती हैं। सेक्रेट प्लांट्स भी है, तुलसी है, साथ में फाइकस है और साथ में रुद्राक्ष है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, इसका कोई भी शॉर्टकट मेरे पास नहीं है। अब भाई बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए बहुत सारा क्या हुआ, बहुत सारे लोग है ना देश इकट्ठा हुए और सबसे पहले 1992 में अर्थ समिट रखा गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को रियो डी जेनेरियो में, ये 1992 में हुआ, ठीक है। और यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि सभी कुछ ऐसा मेजर, ये देखो नीट का क्वेश्चन है ये, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी सस्टेनेबल यूज ऑफ ऑल बेनिफिट, ये रख लेना, ठीक है। इसमें क्या किया गया, बायोडाइवर्सिटी कैसे कंजर्व करनी है और चीज़ों का कैसे किस तरह से वाइसली यूज करना है, ये सस्टेनेबल जो यूज है ये 1992 के अर्थ समिट की मेन एम था। इसके बाद में वर्ल्ड समिट हुआ 2002 में जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में, 190 कंट्रीज ने टेक पार्ट किया इसमें और इसका मेन जो काम था वो था बायोडाइवर्सिटी के लॉस को 2010 तक क्या करना, बिल्कुल कम कर देना, नहीं हुआ, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी बिल भी पास हुआ 2002 में और ये काजीरंगा जो नेशनल पार्क है बच्चों, ये राइनोसोरस है ना और एलिफेंट्स का प्रोटेक्टिव जगह है, ये वो नेशनल पार्क है जिसके अंदर इन दोनों को प्रोटेक्ट किया गया है। और हंसावार फ्लेमिंगोस का ब्रीडिंग जो प्लेस है वो है चिल्का लेक, ठीक है। नेक्स्ट, मेरे हिसाब से ये जो है मेन जो हमने पॉइंट्स थे वो कर लिए हैं और इसी के साथ में ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के लिए असाइनमेंट है कि एनसीईआरटी में आप लोग ये ढूंढ के देखेंगे कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, है ना, और कितने नेशनल पार्क हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। इसको हम जो है अभी जो स्टैटिस्टिक्स चल रहा होगा उसके हिसाब से बात करेंगे। इसके अंदर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये आप बिल्कुल तैयार कर लेंगे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस तरह से है, क्या है, वर्ल्ड ओजोन डे कौन सा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कौन सा है, ये सभी चीज़ें आप इसमें प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर के साथ वापस से अपन लोग मिलेंगे अगले दिन और तब तक आप ये लेक्चर्स देखते रहिए, लाइक कीजिए, वीडियोस बार बार देखिए, ठीक है। बार बार देखोगे तो इकोलॉजी खास लगेगी, बार बार नहीं देखोगे तो इकोलॉजी एक फांस लगेगी, ध्यान रखना। तो इसलिए आपको देखो मगअप करने वाली चीज़ें हैं, इट विल टेक टाइम, ठीक है। ओके बाय, टाटा, मिलते हैं बाद में, बाय।